पानीपत के गांव सिवा के पास दिल्ली पार्लर नहर में हुआ बड़ा हादसा। नहरी विभाग की लापरवाही के चलते गाड़ी नहर में गिरी। कैथल के एक गांव से गांव के ही रहने वाले यादवेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में दो और अन्य साथियों को लेकर दिल्ली में बैठे किसानों के धरने में शामिल होने व उनके लिए खाद्य पदार्थ लेकर निकले थे कि अचानक जब वह पानीपत के गांव सिवा के बाईपास के नजदीक पहुंचे तो सामने से आ रहे ट्रक की लाइट उनके आंखों में टकराई और अचानक से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। वह सामने बैरियर व नहर की दीवार न होने के चलते गाड़ी सीधी नहर में गिर गई। यादवेंद्र अपने दूसरे साथी के साथ बाहर निकला, लेकिन तीसरा साथी बाहर नहीं निकला तो उन्होंने उसकी तलाश की और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की सहायता से गाड़ी को बाहर निकाला, लेकिन जो युवक लापता हो गया उसका अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया। गोताखोरों की टीम लगातार युवक की तलाश में जुटी है। ऐसे में अगर नगर विभाग द्वारा टूटी दीवार को सही करवाया जाता है या वहां पर बैरियर लगवाया जाता है तो यह हादसा न होता। जादविंदर सिंह जी, असी किसानों वास्ते अन्न राशन लंगर का समान लेके चले, पानी दुध ते चौल ते कई टाइम दी पिंड ने मेल लाई हुई सी, कहिंदा चलो याद तुसी जाओ। असी तीन मुंडे इकट्ठे होए क्योंकि पिंड दे विच साडे होर इन्ने ज्यादा मुंडे है नहीं गए, तो याद मैनू भेजे उन्होंने, तो मैं जदों आया तो आ ही रहा सड़क के इस रोड थाने लंघ रहा सीगा, तो एकदम ट्रक के इधर रिफ्लैक्टर पे अखा दे विच, गड्डी मेरे को कंट्रोल नहीं, क्योंकि बैरियर है नहीं सी सामने फुटपाथ पर। मैं चल रोड होगा मैं कंट्रोल करूँगा, अगे जो रेता दे विच टायर चढ़े मेरे ਗਰਾਰੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਆ, ਤਿਲਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਗੱਡੀ, ਤਿਲਕੇ ਖੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਜੀ, ਖੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਨਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਚੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਟੋਟਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਸੋਲ ਕੱਚੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ? 10:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 10:30 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੰਨੇ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।